-71.2 डिग्री सेल्सियस, वर्ल्ड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस। क्रेजी भाई, भाई हाँ इतनी तेज पेन हो रहा है मेरा, कुछ सेकंड के बाहर निकाल रहा था भाई। गलती से भी चावाज बाहर रह गया आपका हाथ या कोई स्किन, पहले फ्रॉस्ट वाइट होगा, स्किन और सेल्टेड हो जाएंगी, बॉडी पार्ट पैरालाइज हो सकता है, अब परमानेंटली डिसेबल हो सकता है। क्या भाई, किताब में भाई देख लो, नाम दर्ज हो गया हमारा कि हम लोग दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में आए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे साल में बस 160 लोग आते हैं, 160 लोगों में से हम हो गए भाई अभी। गाड़ी के अंदर भी टेम्परेचर दिखा रहा है मीटर में 32 डिग्री है और बाहर का टेम्परेचर कुछ अराउंड -50 से 53 के बीच में चल रहा है अभी दिन के टाइम पे। और तो पूरा टोटल मिला कितना डिफरेंस हो गया भाई? अराउंड 85 डिग्री का भाई, 85 डिग्री का टेम्परेचर भाई, क्या अंदर बाहर में भाई साहब, भाई पहुंच गए पोल ऑफ कोल्ड। तो भाई फाइनली देख लो, ये ओमियोकॉन और हमारे आगे भाई ये देख लो भाई, पोल ऑफ कोल्ड -71.2 डिग्री सेल्सियस, वर्ल्ड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस। क्रेजी भाई, फाइनली पहुंच गए यार हम लोग भाई, मजाक नहीं, यहाँ तक पहुंचना यार, कौन दुनिया के अलग ही अलग डिफरेंट जोन में है, अलग ही डिफरेंट पार्ट में है। और पूरा आप लोग माहौल देख सकते हो, यहाँ पे पूरा बर्फ ही बर्फ है। और ये ओमियोकॉन का गांव छोटा सा 44 किलोमीटर है कुछ अराउंड, कौन सा गांव था भाई वो? तमतोर से। ये तमतोर से छोटा विलेज है। ये देखो सीट देख लो, ये बैठने की जगह है, ये देखो भाई, अरे भाई अरे ये देखो भाई कोई आया नहीं सदियों से, लग रहा है सदियों से कुछ कोई नहीं आया। तो भाई अभी फिलहाल आ चुके हम लोग ओमियोकॉन विलेज, ये देख सकते हो छोटा सा विलेज है, बहुत छोटा सा, आई थिंक होंगे कुछ 100-150 लोग पूरे विलेज में मेरे हिसाब से, आई थिंक वो भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। भाई यार सही बता रहा हूँ, आप लोग अपने अभी मोबाइल या फिर लैपटॉप कंफर्ट से वीडियो बढ़िया देख रहे होंगे, बट सही बता रहा हूँ यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लिटरली यकूत तक पहुँचना नॉर्मली आसान नहीं होता, यकूत से कुछ अराउंड 1200 किलोमीटर दूर अंदर एकदम विलेजेस के अंदर सुनसान रोडों से गो थ्रू करते हुए हम लोग आए हैं और कुछ नहीं होता रोडों में, खाली अगर आप रुक जाओ तो जम के मर जाओगे, इतनी सुनसान रोड होती है यहाँ पे। और वहाँ तक हम लोग फाइनली भाई पहुँच चुके हैं, ओमियोकॉन द पोल ऑफ कोल्ड। यार थोड़ा बहुत तो प्राउड फील हो रहा है आज, सही बता रहा हूँ मैं। तो ये फील है यहाँ, ये पूरा माहौल है भाई यहाँ पे, पूरा सफ़ेद सफ़ेद। तो ये यहाँ पे टूरिस्ट भाई बोल रहे थे कुछ साइबेरियन एलिफेंट कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ ये, और इसके ऊपर यहाँ पे पोल ऑफ कोल्ड। आई थिंक और कुछ अराउंड 10 से 15 के बीच में हम होंगे इंडियन, मैं और टूरोशु भाई,
एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, हमको सर्टिफिकेट मिलेगा अभी कि हम लोग दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में विजिट किए हैं। और ये होना तो मेन रीज़न था कि हम लोग यहाँ पे आए। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे ऐसा कुछ करने का जगह नहीं है, बट ये जो प्लेस है ना यार, ये प्लेस दुनिया भर में बस एक ही है यार। तो यहाँ पे यार भले ही बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं यहाँ तक आने के लिए, बट आई थिंक वो वर्थ है, क्योंकि यार यहाँ पे आप लोग बार बार तो आओगे नहीं, बस लाइफ में एक बार आओगे तो विश लिस्ट पूरा करने के लिए लोग आते हैं मैक्सिमम कि यार हाँ दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में आए हुए हैं, तो उसी का पूरा यार फन है यार पूरा। और जो लोग नहीं आ सकते वो लोग तो हमारी वीडियो देख ही सकते हैं यार। और वो हमें टूर से भाई देख लो बिहाइंड द सीन ऐसे रिकॉर्ड लगते हैं वो वीडियो से। बाकी भाई देखो कार हमारी, ये कार भाई पता ही है, मैंने काफ़ी बता दिया आप लोगों को भाई कार बंद नहीं हो सकती, ये चलती रहनी चाहिए, अगर बंद जाएगी तो जम जाएगी भाई, उसके बाद फिर अगले सीजन में चालू करना गाड़ी को। भाई यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ देख सकते हो आप लोग, और यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था ये वाला प्लेस, दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस घोषित कराने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे साल में बस 160 लोग आते हैं, 160 लोगों में से हम हो गए भाई अभी ये वाले 2023 ईयर में। और वो यहाँ पे दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं, लोगों की कोई इंसान नहीं, हो ऐसा लगा कि मैं और टुडुशू भाई हैं और हमारे साथ एक कार है। घर में भाई नॉर्मली घर आई थिंक मुझे लगता नहीं घर में कोई रहता है कि नहीं रहता, क्योंकि नॉर्मली जब हम घर में रहते हैं तो धुआं निकलती है, और धुआं निकलती है तो समझ में आता है कि कोई रह रहा है अंदर, बट यहाँ वाले तो घर में तो यार कोई धुआं निकल ही नहीं रहा। अच्छा वहाँ पीछे थोड़े बहुत है जहाँ पे धुआं देखने को मिल रही है, और कुछ अराउंड हो गए भाई कुछ अराउंड 10 मिनट हो गए हमको यहाँ पे रह के, और पूरा फेस देख सकते हो और जम गया पूरा भाई। नॉर्मली यहाँ तक आना, जैसे मैंने आप लोगों को इसके वैल्यू कहा था कि दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्टली आप लोग ओमियाकॉन में रहो, आओ यहाँ पे होटल लेके रहो और उसके बाद फिर आप लोग वापस लौटो, बट हम यार तमतोर में रुक चुके थे, तमतोर तुम गाड़ी लेके आए, हमारे होटल वाले ने अरेंज करके दिया, ये होटल वाले ही हमारे। ऐसा करने में बेस्ट पार्ट ये है कि आप यहाँ पे अगर रहोगे तो यहाँ के होटल के प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, कुछ अराउंड आई थिंक 5000 रूबल एक जन का लेंगे मिनिमम, हम वहाँ पे कुछ अराउंड 1500 रूबल दे रहे हैं एक जन का। तो ये चीज आप लोगों को गौर करनी पड़ेगी, यहाँ पे अगर आओगे आप लोग तो होटल और खाना वगैरह बहुत महंगा होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स यार लाना ही बहुत बड़ी बात है दुनिया के सबसे ठंडे जगह पे। तो मैं रिकमेंड करूँगा तमतोर रुक लो, तमतोर रुक के फिर यहाँ पे आप लोग गाड़ी से आ जाना, ऐसे हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया तरीका है, आई थिंक आप लोग पैसा भी सेव कर लोगे, वैसे तो है काफ़ी महंगा यार ये ट्रिप। यकूत से ओमियाकॉन पहुँचते पहुँचते भाई कुछ अराउंड बोल सकते हो 20 से 25 हज़ार रूबल तो यार मिनिमम लग ही जाएंगे आपके, और आई थिंक ज़्यादा भी लग जाए वो फाइनली बताऊँगा मैं, शायद अलग से कोई वीडियो बना दूँ मैं आप लोग के लिए कितना बड़ा खर्चा आ गया ओमियाकॉन पहुँचने के लिए। बट यार महंगा तो है, बट यही है कि भाई मतलब विशलिस्ट होती है लोगों की, वो पूरी करने के लिए आते हैं लोग यहाँ पे। भाई सही बता रहा है, इतनी ठंड लग रही थी भाई बाहर अंदर आ गए गर्माहट करे फोटो नहीं लिया, फोटो लेना है। आपका हाथ या कोई स्किन लो पार्ट आपकी बॉडी खराब है, पहले फ्रॉस्ट वाइट होगा, फिर आपकी स्किन और सेल्टेड हो जाएंगी, उसके बाद बॉडी पार्ट पैरालाइज हो सकता है और परमानेंटली डिसेबल हो सकता है। भाई ये वाली जगह पे हम लोग, अरे भाई साहब इसको देखो साइबेरियन हस्की, अरे बाप रे, अरे साइबेरियन डॉग यार कितना सही है ये, कितना सही है ये देखो, साइबेरिया में साइबेरियन डॉग, ये पालतू है कैसा है, कैसा है पता नहीं, अरे 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 चलो कोई नहीं कोई नहीं, दूर है ना गलती बाइट वाइट कर लिए तो भाई थोड़ा वो रिस्क रहता है। तो भाई यहाँ पे वाली जगह देख लो, ये है रशियन फ्लैग, ये साखा रिपब्लिक का, ये मुझे लगता है पता नहीं किसका झंडा है, किसका झंडा होगा भाई ये, ओमियाकॉन का हो सकता है, ओमियाकॉन का हो सकता है। और ये वाले प्लेस में आए हम लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए, ओमियाकॉन का दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में विजिट किए हैं, इसलिए यहाँ पर सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये देख लो ओमियाकॉन पोल ऑफ कोल्ड, और ये वाले प्लेस में आए हम लोग, कोई दफ्तर जैसी कुछ जगह है ये। प्रिवियत प्रिवियत, तो भाई यहाँ पे आए हुए हम लोग अभी सर्टिफिकेट लेने के लिए, यार ये सर्टिफिकेट संभाल कर रखना पड़ेगा यार, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऐसा लगा जंग वंग जीत गए। यहाँ पर पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, ये देखो यहाँ भाई किताब में भाई देख लो नाम दर्ज हो गया हमारा कि हम लोग दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में आए हैं, सर्टिफिकेट मिल रहा है भाई, और इनके कोई बुक है शायद रिकॉर्ड वगैरह बनाते हैं वहाँ पर। भाई देख सकते हो भाई ऐसा माहौल होता है, भाई कैसी फीलिंग आ रही है, बहुत बढ़िया बस। ये देख लो मेरा सर्टिफिकेट को पोल ऑफ कोल्ड ओमियाकॉन दिया हुआ है, और लिखा हुआ है
रिपब्लिक ऑफ साखा वेयर द लोएस्ट टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड -71.2 डिग्री सेल्सियस, और उन्होंने स्टैम्प लगाया, अपने सिग्नेचर वगैरह किया है, तो ऐसी बार सर्टिफिकेट मिल जाती है भाई आप लोग को यहाँ पे अगर आते हो तो। यहाँ से हम लोगों ने सर्टिफिकेट लिया हुआ है हम लोग का, और यहाँ पे देख लो ये माहौल, यहाँ पे जितने भी शाखा और यहाँ पे जितने भी पूरा जितना भी एरिया है, यहाँ पूरा शाखा रिपब्लिक में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे ये पाइप्स जो होती हैं, ये गैस पाइप भी हो सकती है, ये वाटर पाइप भी हो सकती हैं, बट सारी ज़मीन के ऊपर होती है, क्योंकि ज़मीन के नीचे पूरा परमा फ्रॉस्ट है, ज़मीन के अंदर पूरा बर्फ़ है भाई, तो ये ज़मीन के अंदर रह ही नहीं सकती है। तो यही वन ऑफ द मेन रीज़न है, आप लोगों को मैं यकूत से दिखा रहा हूँ कि सारे पाइप्स यहाँ पे ऊपर ये जितने भी होते हैं ज़मीन के ऊपर देखने को मिलेंगे आपको। भाई सही बता रहे हैं, अभी हम लोग दो बार गए थे फोटो खिंचाने के लिए और दोनों भाई वो 10-10 मिनट वापस आ गए भाई, काम रेस्ट करके फिर फोटो खिंचाने का नहीं, 5 मिनट भाई, 5 मेरा इस फिंगर में फ्रॉस्ट बाइट हो चुका है। सब छोटी उंगली में हो रहा है? भाई तो अभी तमतोर से निकले हम लोग, अभी ऑन द वे टू याकूत, मैं जा रहा हूँ वापस याकूत, और हमारे टूरिस्ट भाई है मगदान जा रहे हैं। और सही बता रहा हूँ, लाइफ में कितना ट्रैवल करने के बाद, जितना भी ट्रैवल करा है थोड़ा बहुत, आज जितना भाई चीज़ें हुई ना आज, उसके कंपेरेबल कोई कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा। इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें हम लोगों ने बदली है ना भाई, और इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें हम लोगों ने प्लान करी है, कभी मैंने इसके वाले नहीं करा। एक्चुअली ये टूरिशु भाई का आज मेरे साथ आने का प्लान नहीं था, तो एक्चुअली इन भाई का प्लान था कल जाने का उस तेरा, बट आज ये बोल रहे हैं कि कल जाओगे बल कल रात को जाना पड़ेगा भाई। हमको भाई हम रुक नहीं सकते भाई, यहाँ इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है। फिर इन भाई ने फिर बताया कि मैं आज निकलूँगा मेरे साथ, क्योंकि ऑन द वे एक जगह पड़ता है, कौन सा पड़ता है, पहले बोले कल मॉर्निंग निकलेंगे, बोले कल रात को जाएंगे, कोई भरोसा नहीं जाए ना जाए। हाँ भाई ये बताया, रोटी जाने के बाद मेरी फ्लाइट है मगदान से, फंसा हुआ हूँ, पता नहीं फ्लाइट ले पाऊंगी नहीं। अभी अभी कहाँ जा रहे हो? अभी अभी रोड ऑफ बोन मेन हाईवे जा रहा हूँ। हाँ आगे कैसे जाना है नहीं पता। अब उतरोगे कहाँ पे? देखते भाई गैस स्टेशन या कहीं पे, लेट्स सी। चलेगा नाम क्यूबे में। हाँ तो ये क्यूबे में उतरेंगे, वहाँ पे उतर के वहाँ से फिर उस तेरा तक हिचाइक करेंगे, वहाँ से फिर हिचाइक करके वहाँ से हिचाइक करने उस तेरा देखते कैसे पहुँचेंगे, अभी कुछ नहीं पता कैसे पहुँचेंगे, भगवान जाने। क्योंकि भाई सही बता रहा हूँ, ओमेगोन बढ़िया जगह है यार, अगर आ रहे हो तो यार साहब अपनी विश लिस्ट चेक करने के लिए आते हैं, बट बता देता हूँ भाई बहुत ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस है, और अगर आप सही से दिमाग नहीं चलाओगे ना बहुत स्कैम हो जाओगे। इन शॉर्ट बताऊँ तो आधे टाइम में दिया था भाई टैक्सी का 10,000 और ज़्यादा टाइम में दे रहा हूँ 7,000, तो भाई समझ जाओगे भाई कितना इसमें लोगों का वो मतलब वो होता है, और सब कोई मिले होते हैं यहाँ पे, टैक्सी वाले, होटल वाले, मतलब यहाँ पे आओगे तो मतलब समझ जाओ इनके चुंगल में फंस चुके हो आप अभी, इनके हिसाब से फिर आप काम करना पड़ेगा आपको। दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस तो है, उसके साथ अलग एक्सपीरियंस भी ले लोगे आप यहाँ। ओ भाई ओ कितना बड़ा कितना मोटा कुत्ता ये यार, कितनी ज्यादा इसके फर है, अरे बाप रे भाई कार वाल लिया तो रेबीजी हो सीधे भाई। डराओ मत यार, प्यारा कुत्ता है, कितना प्यारा है देखो, कुत्ता ये भालू लग रहा है, ये हाइब्रिड है क्या? भालू भालू लग रहा है, साइबेरियन की है भाई, साइबेरियन। बाप रे बाप, और आ गया पूरा भाई, ड्रुक। तो भाई यहाँ पे टूरोशु भाई देख लो कौन सी जगह है भाई, यूगेन है, क्यूबे में जगह है, यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन लगती है क्यूबे में, और यही ऐसी जगह है जहाँ पर आप रुक सकते हो अगर आपको रुकना हुआ। तो यहाँ पे कैफे वगैरह है भाई? कैफे यार एक फंक्शनल नहीं है शायद गर्मियों में चलता है, ठंड में यार कुछ फंक्शनल नहीं है। वापस हम लोग रोड ऑफ बोन्स हाईवे पे आ चुके हैं। हाँ। तुम वापस याकूत, मैं आगे मगदान। चलो भाई कैसे जाना कोई पता नहीं है, कोई नहीं भाई हो जाएगा जो भी होगा, बड़े ही होगा, टाइम कम है ना, प्रॉब्लम ये है। बट बाकी यहाँ पे थोड़े बहुत गाड़ियाँ सोवियत यूनियन की हमारी गाड़ी है, पेट्रोल फिलिंग हो रही है। कहाँ रुकोगे भाई यहाँ पे, ये कैफे में रुकोगे क्या? देखो चल रही कि नहीं चल रही, देखो देख के आते हैं। चलो चलो मैं तो आ ही रहा हूँ, पूछो ना भाई जल्दी पूछो तो हो जाए तो इसमें निकल जाओ। तो ये भाई क्यूबे में देख लो भाई, जो लोग हिचाई करके आते हैं उनको तो पता ही होगा ये वाला प्लेस, और अगर आप लोग हिचाई करके आ रहे हो तो यहाँ पे भाई आपको रुक के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई और कोई ऑप्शन नहीं है। और तमतोर से सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई गांव है जहाँ पे आपको लोग देखने को मिलेंगे वो यही है भाई क्यूबे में, इसके बाद फिर आप कोई आदमी नहीं मिलेगा देखने के लिए भाई, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं भाई, कोई कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए।